नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आइबुजेसिक प्लस टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, आइबुजेसिक प्लस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और आइबुजेसिक प्लस टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि आइबुजेसिक प्लस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में आइबुजेसिक प्लस टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। आइबुजेसिक प्लस टैबलेट का उपयोग दर्द, बुखार और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वजह से सूजन आ गई है तो आइबुजेसिक प्लस टैबलेट दर्द के साथ साथ सूजन को भी कम करती है। इसके अलावा आइबुजेसिक प्लस टैबलेट का उपयोग सिर दर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर, जोड़ों में दर्द होने पर, दांतों में दर्द होने पर, कमर के दर्द, कान के दर्द और गले के दर्द आदि कंडीशंस में आइबुजेसिक प्लस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रूमेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द और जोड़ों की सूजन को कम करने के लिए भी आइबुजेसिक प्लस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। आइबुजेसिक प्लस टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। आइबुजेसिक प्लस टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन आइबुप्रोफेन 400 mg और पेरासिटामोल 325 mg होता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि आइबुजेसिक प्लस टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। आइबुजेसिक प्लस टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर आइबुजेसिक प्लस टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर केवल दर्द होने पर ही आइबुजेसिक प्लस टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। आइबुजेसिक प्लस टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आइबुजेसिक प्लस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना आइबुजेसिक प्लस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि आइबुजेसिक प्लस टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आइबुजेसिक प्लस टैबलेट के सामान्य साइड इफेक्ट्स में बदहजमी, पेट में दर्द, पेट में जलन, कब्ज, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, दस्त और लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक आइबुजेसिक प्लस टैबलेट को लेने से किडनी व लिवर डैमेज हो सकते हैं और शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक या ज्यादा खुराक में आइबुजेसिक प्लस टैबलेट को लेने से पेट में ब्लीडिंग, पेट में अल्सर या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन होने पर पेट या आंतों के अंदर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। अगर आप आइबुजेसिक प्लस टैबलेट का सेवन कभी कभार करते हैं तो ऐसे में ज्यादातर व्यक्तियों में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप आइबुजेसिक प्लस टैबलेट को दिन में कई बार या ज्यादा लंबे समय तक लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आइबुजेसिक प्लस टैबलेट की वजह से साइड इफेक्ट्स होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आइबुजेसिक प्लस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में आइबुजेसिक प्लस टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। पेट में अल्सर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किडनी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर आइबुजेसिक प्लस टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना आइबुजेसिक प्लस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को आइबुजेसिक प्लस टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे आइबुप्रोफेन या पेरासिटामोल आदि से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को आइबुजेसिक प्लस टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं आइबुजेसिक प्लस टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए आइबुजेसिक प्लस टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को आइबुजेसिक प्लस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं
और स्तनपान करा रही महिलाओं को आइबुजेसिक प्लस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका आइबुजेसिक प्लस टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।